व्हाट्सअप गाइस, मैं नवीन सिंह हल्दुनिया आपका स्वागत करता हूं एग्रीकोर स्टडीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसके अंदर हम IBPS के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, नाबार्ड के एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही साथ RRB, ICR और BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स लाइक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AA, AO एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सीड ऑफिसर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसका माध्यम होगा हमारे वीडियोज़ और हमारे एक्सपर्ट व्यूज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर टेक्निकल असिस्टेंस का जो पेपर हुआ था, जिसके अंदर हम 300 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर हम उन 100 क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उन क्वेश्चन के बारे में और उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ एक्सटेंशन वॉज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। और एक्सटेंशन एजुकेशन का ओरिजिनेटिंग कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन, डैश इज़ रेफर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का फादर कौन है? यह है अगस्त कॉम्प्टे। तीसरा क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1952। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर इसको शामिल किया गया था। द इंस्ट्रक्शनल डिवाइस थ्रू विच द मैसेज कैन ओनली बी हर्ड आर कॉल्ड ऑडियो एड्स ओनली। तो जिसके द्वारा हम सिर्फ सुन सकते हैं वह कौन से एड कहलाते हैं? ऑडियो एड्स। TRYSEM ट्राइसम प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1979। ट्राइसम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यह स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1979, जो कि IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट था। सिक्स्थ क्वेश्चन, माइक्रोराइजा एसोसिएशन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सेवन क्वेश्चन, डैश आर एक्सप्रेशन ऑफ द एंड टूवर्ड विच ऑफ आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। एग्जाम आंसर है इसका ऑब्जेक्टिव। द टर्म कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस। इन ए न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इज अटैच्ड टू विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो कार्बन जो होता है यहाँ पे, फिफ्थ कार्बन यहाँ से जुड़ जाता है कौन? पेंटोज शुगर। और जो फर्स्ट नंबर कार्बन होता है वहाँ से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस, यह हो गया न्यूक्लिक एसिड का। टेन नंबर क्वेश्चन, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच हैज़ लॉस्ट ए क्रोमोजोम पेयर, क्रोमोजोम का पेयर लॉस हो गया, तो वो हो जाती है मोनोसोमिक कंडीशन। प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड कैन बी यूज इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर इंगो पोर्टिकस एंड प्रोफेसर बेयर डेवलप गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द फिनोटॉपिक रेशियो F2 इन केस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस 9331। 14 नंबर क्वेश्चन, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट काउ अंडर कवर्ड एरिया, एक कवर्ड एरिया के लिए कितना होता है? 25 to 35 square feet। तो इतना एरिया होता है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मीट टाइप ब्रीड ऑफ पोएट्री, पोएट्री के लिए बेस्ट मीट टाइप है कॉर्निश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कंटेंट ऑफ गुड लेयर राशन शुड बी 15 to 16%, कितना होता है गुड लेयर राशन में? 15 to 16% प्रोटीन होता है। विच स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट इन डेट इज नोन एज डंग, जो डेट पम होता है उसमें कौन सी अवस्था होती है जो डंग कहलाती है? कंप्लीट रिपनिंग एंड डिहाइड्रेटेड स्टेशन, कंप्लीट रिपनिंग एंड डिहाइड्रेशन स्टेज जो होती है वह क्या कहलाती है? डंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशियोमीटर आर सुटेबल फॉर सैंडी सोइल, टेंशियोमीटर किसके लिए उपयोगी होता है? सैंडी सोइल के लिए, क्ले सोइल के लिए नहीं होता, क्योंकि जो कि हम ह्यूमिडिटी निकालने के लिए करते हैं और जो कि पानी का पूरा इसमें रिसाव हो जाता है सैंडी सोइल में। साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेन मोथ इज सिटोट्रोगा सिरिलेला। वाट इज़ द ब्रिक्स वैल्यू ऑफ मैच्योर मैंगो, मैच्योर मैंगो फ्रूट्स की ब्रिक्स रेशियो कितना होता है? 15 degree bricks। लेट प्लाइटो पोटेटो एंड टोमेटो कोज बाय दी फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। बॉटनिकल नेम ऑफ फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न का बॉटनिकल नेम है GMS इंडुराटा और डेंट कॉर्न का GMS आइडेंटा। वाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मंथ फॉर बडिंग ऑफ बेयर इन राजस्थान, राजस्थान के लिए बेयर के लिए बडिंग का सबसे बेस्ट मंथ कौन सा है? अप्रैल टू जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउन गॉल डिजीज ऑफ स्टोन फ्रीश फ्रूट इज कॉज बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्ट इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप, विल्ट सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है गुआवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हिट्रोसिस इज कॉमर्शली इंपॉर्टेंट, कमर्शियल इंपॉर्टेंस कौन सा होता है? स्टैंडर्ड हिट्रोसिस, जिसके अंदर सारे इफेक्टिव जो कैरेक्टर होते हैं वो सभी आते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है F1 माइनस स्टैंडर्ड हिट्रोसिस अपॉन स्टैंडर्ड हिट्रोसिस इंटू 100।
27 नंबर, कोचिया इज़ ए प्रोमिनेंट एनुअल ऑर्नामेंट प्लांट ऑफ विच सीजन, इज ए समर सीजन का एक प्रकार की ग्रासेस होती है जो कि उगती है समर सीजन में। एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज़ अबाउट 2283 डेज। प्लूमोस टाइप ऑफ एंटीना फाउंड इन मेल मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो में पाया जाता है प्लूमोस टाइप, यानी कि फेदर लाइक स्ट्रक्चर। पिंजोर गार्डन फॉर्मल टाइप ऑफ गार्डन कहाँ है ये, पिंजोर में, पिंजोर या किस तरह का होता है, मुगल टाइप ऑफ गार्डन। लूज स्मट ऑफ वीट इज इंटरनल सीड बोन, द सिट्रस निमेटोड टाइलेंचस सेमी पेमेट्रस इस तरह का होता है, ये होता है एंडोपेरासाइटिक टाइलेंचस सेमी पेमेट्रेंस। इन इंडिया द फर्स्ट राइस हाइब्रिड वॉज रिलीज इन ईयर इन 1994। मिडगट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मिडगट जो होता है इंसेक्ट में वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सोइल एरेशन इज मेजर बाय, सोइल एरेशन किससे मेजर किया जाता है, ODR यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन मीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ अर्ली वैरायटी ऑफ केबेज, केबेज की अर्ली वैरायटी की सीड रेट होती है 700 ग्राम और जो लेट वैरायटी होती है उसका होता है अराउंड 350 ग्राम। 37, इफ एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, अगर एवरेज औसत प्रोडक्ट उत्पाद होता है वह कम हो रहा है, देन द मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वह हमेशा एवरेज से कम होगा। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है अगर वो जीरो है तो टोटल यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमम होगी, ये कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के द्वारा हम देख सकते हैं इसको। दुर्गापुरा लोकल इज ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, कौन सा है, दुर्गापुरा लोकल इज ए क्लस्टर बीन वैरायटी। लेट लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट कॉज्ड बाय द सार्कोस्पोरा पर्सोनेटम, और द अर्ली लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज किसके द्वारा होता है, सार्कोस्पोरा अर्चिनिकोला के द्वारा। रूट नॉट इन वेजिटेबल इज कॉज्ड बाय द मेलिंडोगाइनी स्पीसीज, कॉमन सिम्टम ऑफ बोरोन डिफिशियंसी इन कोल क्रॉप, कोल क्रॉप के अंदर कौन सा होता है कॉमन बोरोन डिफिशियंसी का, होलोनेस ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम होता है वो खोखला हो जाता है। राइस कल्टीवेशन ऑक्यूपाई अबाउट कितने, कितना एरिया है मिलियन हेक्टेयर में, ये है 44 मिलियन हेक्टेयर। और मिडजोल इज ए वैरायटी ऑफ फ्रूट, मिडजोल किसकी वैरायटी है, डेड पाम की वैरायटी है। और लार्वा पीरियड ऑफ सिल्क वॉर्म, लार्वल पीरियड ऑफ सिल्क वॉर्म कितना है, 20 से 30 डे का। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे जैसे फर्स्ट केवी के इन पुडुचेरी, नेटवर्थ क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और जो सॉइल डेवलपमेंट बाय एक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इज कॉल्ड रेगुलित। तो इस एग्ज़ाम के लिए एस्टिमेटेड कट ऑफ हमारी तरफ से जनरल कैटेगरी के लिए 65 क्वेश्चंस रहेगी, और ओबीसी के लिए 62 क्वेश्चंस, और एससी के लिए 55 एंड एसटी के लिए 50 क्वेश्चंस रहने की उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, पार्ट सेकेंड जल्दी अपलोड करेंगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एग्रो स्टडीज़, रिमेंबर वी आर गोइंग टू अचीव, थैंक यू सो मच।